मेरा भाई अरुण मैं उस दिन नहीं आ पाया था, शूटिंग में था। अभी आप मेरी ही फिल्म है, अपनी फिल्म की क्या तारीफ करूं, मेरी आंखें देखेंगे थोड़ी गीली है। तो मैं सर को बोल रहा था कि क्या बनाए हैं। बस आए थे हम, बड़ा निजी सा था, घर के कुछ मेंबर आए थे, देखना था उन्हीं को। सो होपफुली अब लोग देखेंगे और हमें, मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। मैं इनफैक्ट पहली बार देख रहा हूँ आज। हाँ, पहली बार है, पहली बार। सो मेरे लिए नई थी, इसीलिए मैं थोड़ा भावुक भी हो गया। एक्चुअली क्या पिक्चर देख करके ऐसा लगता है कि पंकज के अलावा शायद ये रोल कोई कर नहीं सकता था, ये मेरे को ऐसी रिएक्शन मिले कि मतलब ये भरत लाल मृतक का रोल जो है, ये पंकज के अलावा किसी को मतलब सूट कर ही नहीं सकता ना कोई कर सकता था। जिस तरह का मतलब डिग्निटी डाली है, जो प्यार डाला है मतलब, और जो जिस तरह की सतही परफॉर्मेंस है, जो कैरेक्टर को समझा है मतलब, वो पंकज के बहुत करीब है। गांव का कैरेक्टर है तो गांव का तो बाशिंदा है भाई, हम दोनों ही गांव के हैं असल में। हम दोनों की विलेजर आइडेंटिटी जो हमारी है ना, अंदर हमारे कण कण में बसी हुई है असल में। सतीश जी, पंकज जी, जैसा कि सतीश जी ने कहा, आपके अलावा ये कैरेक्टर कोई नहीं थी इस समय पूरी इंडस्ट्री में, सिर्फ अगर बात चल रही तो सिर्फ और सिर्फ आपकी। तो बताइए, और ये जहां 2020 से लोग परेशान थे, आपके एक से एक प्रोजेक्ट आए, लोगों ने अप्रिसिएट किया, कैसे देखते आप हर जगह, मतलब आपका टाइम जिस तरह से चल रहा है? कुछ नहीं, आई थिंक मेहनत और ईमानदारी से लगा हुआ हूँ कई सालों से, सो उसका प्रतिफल है। और सिनेमा थिएटर बंद थे तो हम लोगों के घर तक पहुंच गए OTT के थ्रू। कागज़ भी कल, आज ही रात को आएगी, इनफैक्ट आज रात नाइट 12 बजे से Zee5 पे आ जाएगी। और जो अभी मैं देख के निकला हूँ, सो मैं तो बड़ी एक्साइटेड हूँ। अरे तो आप भी थी, सो सॉरी आप लोग किसी और के लिए आए थे, हम अचानक टकरा गए। चलिए धन्यवाद। और सिनेमा में जैसे कि और एक बात चल रही कि सिनेमा में जो है आप जो है अमर हो चुके हैं, लूडो में आप नहीं मरे और उसके बाद मिर्जापुर में नहीं मरे, तो आप ऐसा मानते हैं कि हिंदी सिनेमा में आप जो है अमर हो चुके हैं? मैं ये कैसे बोलूं, खुद के मुंह से अपनी तारीफ या अपना सर्टिफिकेट कैसे दूं? ईमानदारी सिंसेरिटी से काम करता हूं, एंड वो तो अमर होना पता नहीं, बट यस, जो एक ईमानदारी बरकरार है, एंड आई एम श्योर कागज़ जो लोग देखेंगे बहुत पसंद करेंगे। जो इस साल शुरू हुई थी गुंजन सक्सेना, लूडो, मिर्ज़ापुर, सो नए साल में कागज़ वापस से बड़ी अच्छी ओपनिंग देगी मुझे लगता है, लोग कनेक्ट होंगे। मैं तो हुआ, मेरी फिल्म थी बावजूद उसके, मैं क्रिटिकल होता हूँ आमतौर पर अपनी परफॉर्मेंस को लेकर, मुझे कमियाँ दिखती हैं, बट जो आज देखा वो एक्साइटिंग, मैं कह सकता हूँ कि उत्साहित हूँ मैं। 83 एंड मिम्मी दो प्रोजेक्ट ऐसे हैं जिनके लिए इंतज़ार में हूँ, 83 और मिम्मी, उनके उनके लिए इंतज़ार में हूँ मैं। और शुक्रिया आप सबों का, रैंडम हम लोग टकरा गए। थैंक यू दोस्त, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर आप सभी को। अरे दोस्त, ये भी हमारी अभिनेत्री, इधर तो आ जाओ, ये नाम लो चलाने का लाइव में सब लोग राइट में थैंक यू।